करनी है। चलो क्रेटन्स इन इंडिया की बात करेंगे, तो क्रेटन्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितने हैं। तो अपने पास में 5 क्रेटन्स है मेनली, ठीक है, और वो क्रेटन कौन कौन से हैं बस इतना सा ध्यान में रखना है, उनके सबके करेक्टरिस्टिक्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 क्रेटन है अपने पास में। एक अपने पास में अरावली क्रेटन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये अरावली क्रेटन है हमारा। एक आपका बुंदेलखंड क्रेटन है, फिर आप नीचे जाएंगे तो एक आपको बस्तर क्रेटन मिलेगा, एक आपको सिंहभूम क्रेटन मिलेगा और एक आपको धारवाड़ क्रेटन मिलेगा। इस तरह से आपके 5 क्रेटन होते हैं, धारवाड़ क्रेटन, बस्तर क्रेटन, सिंहभूम क्रेटन, बुंदेलखंड क्रेटन एंड अरावली क्रेटन, ये आपके 5 क्रेटन है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कैम्बे रिफ्ट है ना, ये आपका कच्छ रिफ्ट है, यहाँ पे नर्मदा रिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे कैम्बे ये आपका दिखाया हुआ है, ये आपका सतपुरा फॉल्ट बेल्ट है यहाँ पे, और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिमालय फॉल्ट बेल्ट मिलेगा। ये सिंहभूम क्रेटन और बस्तर क्रेटन को सेपरेट करने वाला जो है ये आपका महानदी रिफ्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंहभूम क्रेटन और बस्तर क्रेटन को सेपरेट करने वाला कौन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये धारवाड़ क्रेटन जो है इसको सेपरेट कर रहा है ये अपना गोदावरी रिफ्ट, ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है और ये अपना वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और नीचे आपने को पता है कि धारवाड़ क्रेटन जो है, अब क्रेटन आपको पता ही है कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स से बने हुए होते हैं, इनके ऊपर सेडिमेंट्री कवर हो भी सकता है और इनके अंदर अपने को मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल पर जाकर के डिफॉर्म्ड होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी क्रेटन्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे ग्रेनाइट, ग्रीन स्टोन ट्रेन, ठीक है। आप जब यहाँ पे बस्तर क्रेटन में देखेंगे तब भी आपको इसी तरीके की रॉक्स मिलेंगी लगभग लगभग, सिंहभूम क्रेटन में भी आपको इस तरह की रॉक्स मिलेंगे, अरावली क्रेटन में भी आपको लगभग इसी तरीके की रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अपना जो अरावली क्रेटन है ये आपका ग्रीन स्टोन बेल्ट नहीं है। ग्रीन स्टोन बेल्ट होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे अल्ट्रा मेफिक या मेफिक रॉक्स थी, उनका मेटामोर्फिज्म हुआ और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो कलर है वो आपको लगभग ग्रीन सा दिखता है, ठीक है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम ग्रीन स्टोन टेरेन। और यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे ईस्टर्न घाट जो है ये आपका ग्रेनोलाइट टेरेन है। जब मेटामॉर्फिक अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था एम्पिवोलाइट, ग्रेनोलाइट, पंपेलाइट, प्रहनाइट, आपका सेनिडिनाइट, पायरोक्जिनाइट, ब्लू सीस्ट, इक्लोगाइट वगैरह, ये सब मैंने आपको बताया था। उनमें से ये ग्रेनोलाइट एक टेरेन है जो कि हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक को इंडिकेट कर